बर्फ देख रहा है कैसे पिघल रही है, पूरी की पूरी पिघल पिघल के नीचे जा रही है और आगे बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग बन रही है। रोड की कंडीशन देख रहे हो यार, पूरा रोड डैमेज पड़ा बर्फ के कारण, क्योंकि बर्फ का पानी जो पिघलता है ना उसके कारण पूरा रोड टूट जाता है। फिर अब ये देखो। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। जैसे पिछले वीडियो में देखा भी, हम सरचू पहुंच चुके थे और वहां से ना मनाली के लिए लेक की साइड से कोई किसी को छोड़ नहीं रहे थे, और अभी देखो सामने जाम लगा। ये देखो यार, गाड़ी लाइन से खड़ी हुई है, बारालाचे के लिए भी छोड़ा नहीं जा रहा पूरा। ये देखो, और रात को यहाँ रूम लिया, ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी, और वेदर देखो कितना बढ़िया। तो अभी निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और आज बारालाचे कंप्लीट करके सीधा मनाली पार कर देंगे। आज देखते हैं कहाँ तक जाया जा रहा। सो हाँ जी, बाकी यार बाइक ने स्टार्ट नहीं हो रही, सुबह सुबह दिक्कत दे रही है, और फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे, और सलब मार रहा हूँ ना, खाली सलब जा रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब धक्का धुक्का मार के देखते हैं स्टार्ट हुई। सो हाँ जी, बाइक स्टार्ट तो हो गई यार, धक्का वक्का मार के एक धक्का मारा और स्टार्ट हो गई, क्योंकि बैटरी ना लो और दिखा रही थी, क्योंकि डस्ट वगैरह जम गया यार, नहीं तो आज तक दिक्कत नहीं थी। और सरचू को करते हैं बाय बाय, निकलते हैं यहाँ से। सो हाँ जी, फाइनली निकल चुके हैं सरचू से, और सरचू का बोलते हैं अलविदा, और इस वेदर को भी बोलते हैं अलविदा, और 4 से 5 घंटे में पहुँच जाएंगे गर्मी के अंदर यार। और कह लूँगा 107 मनाली, 177 बारालाचा, 33 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, और देखते हैं जैसा भी होगा। H415F 3790 प्रदीप। सो हाँ जी, फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, और उन एंट्री होके एक एंट्री शायद आगे होगी। सो हाँ जी, देख रहे हो बाकी पूरी की पूरी गाड़ी इधर खड़ी हुई है, टू व्हीलर को जाने दे रहे, शायद फोर व्हीलर के लिए अभी एंट्री ओपन नहीं है। तो हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ प्रदीप। हाँ साथ में ही है। हेलो, हाँ जी आप बोलो, वो एंट्री करवा रहे थे ना, दिल्ली यहाँ से 782 किलोमीटर दिखा रहा है, और मनाली 222, ये देखो चंडीगढ़ 532। हाँ, और जैसे ही सरचू से निकलोगे ना, तुम इधर कैंप मिल जाएंगे बहुत सारे, और बढ़िया एडवेंचर हो जाएगा कैंप के साथ, और सुबह उठते ही ये व्यू देखने को मिलेगा आप लोगों को। और बारालाचा की तरफ जैसे पढ़ोगे ना, सरचू से बारालाचा की तरफ पढ़ोगे तब ये व्यू आएगा। बर्फ़ देखो यार कैसे पिघल रही है, पूरी की पूरी पिंगल पिंगल के नीचे जा रही है, और आगे ना बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आने वाली। देख रहे हो यार, पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और नीचे रिवर बह रही है, और बारालाचा के जितना पास जाएंगे ना उतनी ज़्यादा ठंड लगती जा रही है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे, सुन्न हो चुके हैं फिलहाल, और अभी तक पैर तो ओके हैं, बाकी हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं यार। और बर्फ़ बर्फ़ की तो कोई कमी नहीं है उस्ताद जी, बर्फ़ की कोई कमी नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रखी है यार। ये देखो, पूरे जो नीचे लेक से बनी हुई है पूरी जमी पड़ी है, पूरी की पूरी। तो सलूट है यार इनको, जो रोडों पे काम कर रहे हैं यहाँ पर इतनी ठंड में यार। बीआरओ का तो नाम ही वैसे वैसे बंदे ले लेते हैं, नहीं तो लगभग ये मजदूर ही काम करते हैं यार यहाँ पर इतनी ठंड में। बीआरओ क्या करती, कुछ ना करती यार, और इनकी दिहाड़ी भी बेचारों की क्या होती, 500 रुपये इतनी ठंड में काम करने के लिए। और सारे बंदे उड़ीसा झारखंड बिहार ऐसे होते सारे वहाँ वहाँ के यार। जन्नत चेक करो, पूरा स्वर्ग बना पड़ा है, देखना पूरा स्वर्ग वाइट ही वाइट यार, सब कुछ वाइट दिख रहा है, नीचे पूरी रिवर लेक जमी पड़ी है पूरी की पूरी, देख रहे हो। वाह कीड़े। सो हाँ जी, रास्ता देख रहे हो यार कितना खतरनाक है, और पार करते हैं, वाटर क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा यार मिलेंगे, बस ब्लैक आइस ना मिले, अगर ब्लैक आइस मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है। आगे अभी और टूटा मिलेगा रोड, ये तो कुछ भी डेंजर नहीं है भाई साहब, आगे देखना तुम, आगे आगे ट्रेल वाटर क्रॉसिंग आ चुकी डेंजर वाली, और देखते हैं कैसे पार होती है यार। आए हाय, पैर जूता खिलाना हो, पिछली बार भी सारी ऐसी पार कर दी थी बिना पैर रखे, और इस साल भी यही कोशिश रहेगी बिना पैर रखे।
लो भाई हो गई कंप्लीट। जूते ऊपर कर लिए ताकि वो जूते गीले ना, और जूते गीले हो जाए पूरे पैर चिल हो जाएंगे यार। हाय रे बर्फ, चेकआउट करो बर्फ, चेकआउट करो। बाला चाने शायद आने वाला है इसलिए ज्यादा दिक्कत आने लगी है। परदेसिया वाटर क्रॉसिंग, चल निकाल निकाल। अबे खड्डा नहीं है, निकाल तू आराम से निकाल जाए, खड्डा नहीं है, निकाल निकल। देव ने कर दी ना किल्लत पंथी। जान है तू मेरी, जान है तू मेरी, जान है तू मेरी, जान है तू। आजा 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 आजा, रोके मत बीच में, चल चल चल, गुड गुड लोंडे गुड, चल चल। सो हाँ जी, फाइनली बारह लाचा पहुंच चुके हैं और अल्टीट्यूड है 4850 और एक एक स्टिकर लगा के फटाफट से निकलते हैं यहाँ से यार। आए रे पूरा वेट हो रखा देख रहे हो। ओके चलो, सो हाँ जी फाइनली बारह लाचों को करते हैं बाय बाय और अब नीचे जाएंगे ना तो ठंड थोड़ी ही कम लगेगी यार, सब कुछ सुन हो चुका है यार। और नीचे जाते जाते हैं ना बहुत डेंजर वाटर क्रॉसिंग आएंगे अब। सो हाँ जी, सूरज ताल लेक आ चुकी है और पूरी रिवर ना यार जमी पड़ी है पूरी की पूरी, दिखा रहा हूँ एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में ना पूरी लेक जमी पड़ी यार, सूरज ताल लेक इसका नाम है। बारह लाचा से उतरते ही आएगी, मनाली की साइड जाएंगे ना सूरज ताल लेक, देखो पूरी जमी पड़ी है। ये देखो यार पूरी की पूरी रिवर जमी पड़ी है, पिछली बार तो कम थी पर इस बार बहुत ज़्यादा जमी पड़ी है यार। देख रहे हो सूरज ताल ले गए और हाइट पता नहीं कितनी है इसकी, हाइट वाइट तो है नहीं शायद। हाँ सूरज ताल लेक। सो हाँ जी, इन भाजियों के बीच में या तो मैगी बनेगी अब या फिर चाय बनेगी। बार लाचा उतर रहे हैं और जिंग जिंग बार आएगा नीचे। सो हाँ जी, अभी बन रही मैगी, पहले मैगी बना रहा है या चाय बना रहा है? पहले मैगी बना फिर चाय बनाया तो कॉल पर बर्तन दे। ओए इधर बैठ। सो हाँ जी, फाइनली मैगी वैगी होगी और चाय होगी और अब करते कंटिन्यू अपनी राइड को यार,
और टाइम ना 12 बज चुके हैं और मनाली पहुंचना भी तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शाम हो ही जाएगी क्या पता यार मनाली तक। सो हाँ जी फाइनली आ चुकी है एक और मोस्ट डेंजर वाटर क्रॉसिंग। और भाई साहब डर गए इधर, और तुम्हारा भाई निकालेगा देखना बिना पैर रखे हुए। एक्सपीरियंस है तगड़ा वाला, देखते रहना बस तुम। निकाल दी, आ जाओ। पिछली साल यही वाटर क्रॉसिंग थी शायद। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ यार, जन्नत। ऊपर देख रहे हो पूरा व्हाइट पड़ा हुआ है यार, पूरा का पूरा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे धुंध में हो जाता है ना सर्दियों में, विंटर में ऐसा लग रहा है। और एक नंबर का व्यू आ रहा है, एक नंबर का। सो हाँ जी ये आगे रास्ता जो जनसकार के लिए, जैसे सुंकला पदम होते हुए कारगिल ये वाला है। सो हाँ जी फाइनली हिमाचल में एंटर हो चुका हमारा, और दारचा यहाँ से 14 किलोमीटर रहेगा। और धीरे धीरे जितना मनाली की साइड बढ़ेंगे पहाड़ों का कलर अब बिल्कुल चेंज होता रहेगा। ये जो बर्फ़ है लास्ट बार देख लो, उसके बाद अलविदा है ये बर्फ़ को, उसके बाद बर्फ़ देखने को नहीं मिलने वाली। और केलोंग जी का, केलोंग जाके स्टॉप लेंगे डायरेक्ट हम, और केलोंग यहाँ से 40 के आसपास रह गया। पहाड़ों का कलर अब होता जा रहा चेंज, अब ये देखो ग्रीनरी दिख रही है, और ग्रीनरी बड़ी प्यारी लगती है यार, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और मनाली 140 किलोमीटर दिखा रहा है, और बर्फ उधर भी दिख रही है फिलहाल तो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो ख़त्म ही होती जा रही है, लास्ट है यहाँ पर। उसके आगे कोई माउंटेन नहीं दिख रहा बर्फ़ का, ओनली ग्रीनरी दिखेगी बस। केलोंग की साइड से अगर आप मनाली ले की साइड जा रहे हो ना, तो 360 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आएगा, वो भी ले में दिखा रखा है। और इंडियन ऑयल हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप है ये जो केलोंग में है। अगर आप बारालाचा की साइड में जाते हो और मनाली की साइड में जाते हो, तो मनाली की साइड में तो आपको मिल ही जाएंगे फिर। सो हाँ जी सीसु को कर दिया हमने क्रॉस, और अब आएगी हमारी अटल टनल। और अटल टनल के बाद भाई साहब गर्मी शुरू हो सकती है, हो सकती क्या मिलेगी यार गर्मी बोल रहे थे। और फिर ये जो विंटर वाले कपड़े डाल रखे सारे के सारे निकालने पड़ेंगे हमको। सो हाँ जी फाइनली पहुंच गए अटल टनल अपनी। भाई साहब पूरा जाम लगा पड़ा है, क्या हो रखा है, टनल तो पूरी जाम कर रखी यार। गाड़ियों को रोक रखा है, टू व्हीलर को तो जाने दे रहे, गाड़ियों को फोर व्हीलर को रोक रखा है। और अपने वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट टनल जो लॉन्ग में है, और साफ़ सुथरी बहुत है यार इसके अंदर, अब लगेगी ठंड। देख रहे हो कितनी प्यारी साफ़ सुथरी लग रही है टनल। पता नहीं यार क्या हो रखा, पूरी टनल के अंदर जाम लगा पड़ा यार, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है यार। तो हाँ जी टनल में ना यार पूरी में जाम लगा पड़ा बहुत लंबा, 7-8 किलोमीटर का। और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है यार टनल के अंदर जो जाम नहीं लगना चाहिए इधर, या तो टनल के बाहर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। देखते हैं जैसा भी होगा अब क्या दिक्कत है क्या नहीं यार। अटल टनल नॉर्थ कुल्लो, ओए होए पूरा ही जाम लगा पड़ा है अब तो यार। वेदर देख रहे हो कैसा है यार, बारिश सी हो रही है शायद धीरे धीरे ना, इस बारिश ने और दिमाग ख़राब कर रखा है यार। एक तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है,